ये जो हवा निकल रही है ये प्योर ऑक्सीजन नहीं है, इसमें सारी गैसेस मिली होती है। डू वी रियली नीड एयर स्टोन? क्या इसके थ्रू मछली सांस लेती है? तो क्या हमें ये अपने एक्वेरियम में लगाने की जरूरत है? तो आइए चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्वेरिक जोन। आई होप आप सब अच्छे हैं। नेचर में क्या होता है, पॉन्ड्स में, तालाब में, रिवर्स में, जहां हमारी ये फिशेस होती हैं, वहां पे ऐसा मूवमेंट होता है, फ्लो रहता है, पानी हमेशा रिफ्रेश होता रहता है, चाहे जितनी तादाद में मछलियां भर जाए लेकिन पानी फिर भी फ्रेश रहता है, ऑक्सीजनेटेड रहता है थ्रू प्लांट्स। और अगेन बारिशें होती रहती है, बहुत सारे वेरियस मीडियम्स के थ्रू उनको ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहती है। लेकिन जो हमारे एक्वेरियम्स हैं उनमें नेचुरल इन्वायरमेंट बनाने के लिए हम लोग बहुत सारी कोशिशें करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, आर्टिफिशियल सामान यूज़ करते हैं जिसके थ्रू पानी में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है मेंटेन रहे। कुछ फिशेस होती हैं जो सरफेस के थ्रू ब्रीड करती हैं, ऊपर आके ब्रीड करती हैं, तो उनके लिए तो चलो फाइन है कि हमें कुछ ऐसा सेटअप नहीं करना पड़ता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ फिशेस जो हम अपने एक्वेरियम में रखते हैं दे डेफिनेटली नीड ऑक्सीजन। पानी में हमारे एक्वेरियम्स में ऑक्सीजन की कमी कई वजहों से होती है। जैसे आपने एक्वेरियम सेट किया है, आपने फिशेस उसमें डाली, तो फिशेस का जो वेस्ट होता है, अमोनिया बिल्डअप जब होता है पानी में थोड़ा भी हो, तो जब वो ज़्यादा होता है तो पानी के अंदर आपके ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता है। एक रीज़न ये होता है। उसके बाद नेचुरली कभी कभी गर्मियाँ जब पड़ती हैं तो गर्मी में जब पानी का टेम्परेचर हाई होता है, राइज होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, राइट, तो उस वक्त भी जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा उतना आपके पानी में ऑक्सीजन की कमी होगी। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए देर आर वेरियस मीन्स टू इंट्रोड्यूस ऑक्सीजन इन योर एक्वेरियम। सबसे पहले तो आपने एयर स्टोन सुना होगा, वेरियस तरह के एयर स्टोन आते हैं इस तरह का जो पावर के थ्रू हम ऑक्सीजन की सप्लाई देते हैं। देन देयर इज अ बिगर डिवाइस मल्टीपल एक्वेरियम्स में देने के लिए। तो इनका बेसिकली पर्पस होता क्या है, इसको आप अपने एक पाइप से कनेक्ट करके इसमें एक लट्टू लगा देते हैं या कोई भी किसी तरह का भी जो फैंसी डेकोरेटिव आइटम आता है आप उसको लेके अपने एक्वेरियम में डाल देते हो। अब आप देखें कि किस तरह से इसके अंदर से एयर निकल रही है जो बबल्स बन के ऊपर आती है और आपके सरफेस पे मूवमेंट होने लगता है। नाउ गाइस, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये जो हवा निकल रही है ये प्योर ऑक्सीजन नहीं है, इसमें सारी गैसेस मिली होती है। होता क्या है, जब ये बबल्स ऊपर आते हैं यहाँ पे आके फूट रहे हैं तो सरफेस के ऊपर मूवमेंट होता है। यही नहीं, आप यहाँ पे देखें भयानक मूवमेंट है, अच्छे से सरफेस हिल रहा है आपका। दैट्स हाउ द गैस एक्सचेंज हैपन्स, ठीक है। तो ये जो सरफेस के ऊपर मूवमेंट हो रहा है उसके थ्रू जो है पानी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, ठीक है। तो आप कभी भी ये ना सोचें, अगर कुछ लोगों को लगता है कि यही ऑक्सीजन है आपने डाल दिया है और मछली इनसे आके सांस ले रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सरफेस के मूवमेंट से आपके पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। और यही नहीं, अगर आपको इस तरह का कुछ लोग जो है, जैसे कि एग्जांपल ले लें आप प्लांटेड टैंक का, तो प्लांटेड टैंक में देखें कोई एयर स्टोन नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, लगाने की जगह भी नहीं है कि आप पेड़ों के बीच में ऑक्सीजन लगा दो। इसमें किस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लांट्स हैं वो पर्लिंग करते हैं, उनके थ्रू ऑक्सीजन निकलती है। जैसे कि आप यहाँ देखें ये छोटे छोटे बबल्स जा रहे हैं, ये प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं जिनके थ्रू जो है पानी जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और ये आप पानी में उसकी लेवल बढ़ती है। उसी तरह से यहाँ पे आप देखें जो मेरा रोटाला है इस पर कितनी एयर बबल्स हैं। तो दीज आर बेसिकली, दिस इज़ बेसिकली ऑक्सीजन जो पानी के अंदर मिलती रहती है। प्लस प्लांट टैंक के मूव सरफेस पे भी आप देखें काफ़ी मूवमेंट है। प्लांट टैंक में बेसिकली होता क्या है कि CO2 भी निकलनी होती है एक्सेस, ताकि CO2 बिल्डअप ज़्यादा ना हो, ठीक है। इस वजह से भी ऐसा मूवमेंट सरफेस पे दिया जाता है, लेकिन इस तरह के सरफेस एजिटेशन से जो यहाँ पे हो रहा है, आप देखें यहाँ ज़्यादा एजिटेशन हो रहा है, तो इससे CO2 तो निकलती रहती है लेकिन ऑक्सीजन भी पानी के अंदर मेंटेन रहता है। तो देखिए सारे प्लांट टैंक पे
भी सरफेस पे कोई एयर स्टोन नहीं है, लेकिन फिल्टर्स का मूवमेंट अच्छा खासा रहता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन रहती है। प्लस जब रात हो जाती है, कुछ लोग बेसिकली अपने जो ये है क्या कहते हैं फिल्टर का आउटलेट, अगर बहुत ज़्यादा नीचे है, मूवमेंट कम हो रहा है, तो कुछ लोग ऊपर कर देते हैं ताकि रात को जब प्लांट्स हैं वो भी ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। ये सिर्फ प्लांट टैंक के लिए, राइट। अगर आप एयर स्टोन लगा रहे हो और आपका बेयर बॉटम टैंक है, तब तो आपको ऐसा फिल्टर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। इन प्लांटेड टैंक्स होता क्या है कि रात में CO2 बिल्डअप हाई हो जाता है, बिकॉज प्लांट CO2 रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन जो है कंज्यूम करते हैं। दिन में उल्टा रहता है, रात को ऐसा हो जाता है। तो दैट्स वाई ये तरह की चीज़ें करी जाती है। फिल्टर के थ्रू सरफेस पे अच्छा खासा मूवमेंट है, आप देखें तो आपको एक एयर स्टोन की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप लगाना चाहते हो क्योंकि देखने में अच्छा लगता है, उसके अच्छे अच्छे डिज़ाइंस आते हैं फिश के शेप में, बॉय के शेप में, तो वो सब आपको अगर लगाना हो तो वाई नॉट, आप डेफिनेटली इंट्रोड्यूस कर सकते हो, करो। हर मैं भी इसीलिए लगा रखा हूँ, मैंने स्पंज फिल्टर लगा रखा है इसमें, साथ साथ इसके थ्रू थोड़ा बहुत फिल्ट्रेशन भी हो जाता है, तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। ये मेन फिल्टर नहीं है मेरा, मेन फिल्टर दूसरा है, बट दिस वन इज एन एडिशनल, सेम हेयर। तो यस, अपने एक्वेरियम्स में आप इस तरह का एयर स्टोन ज़रूर लगाएं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली गर्मियों में। कोई भी ले सकते हैं आप, जो भी ऑनलाइन देखें या स्टोर पे रखें, ऐसा कोई स्पेशल रिकमेंडेशन नहीं है। सब डिवाइसेस अच्छी होती हैं, प्राइस के हिसाब से जो आपको सूटेबल लगे ले सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक आता है, बैटरी ऑपरेटेड आता है, जैसे मेरा बैटरी ऑपरेटेड है, अगर लाइट चली जाती है तो भी ये चलता रहेगा, तो वैसे भी ऑप्शंस हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर करें इसको, और चैनल सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, एक बार ज़रूर चेक कर ले, सिर्फ एक क्लिक करना है तो उसको करना मत भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।